हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे वार्डरोब्स के बारे में, जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे। ये एक स्टोर का जो पूरा डिटेल है आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। प्राइस के बारे में आपको बता दें, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि बहुत महंगा है, तो प्लीज़ मेक श्योर द क्लैपट्रैप की ये कोशिश होती है कि ऐसे स्टोर्स में जाएँ जहाँ पर क्वालिटी अच्छी है। और क्वालिटी कभी भी, जब भी आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बहुत सस्ता नहीं होता है। वी आर सॉरी, वी कैन नॉट गो डाउन टू दैट लेवल जहाँ पे हम 100-100 रुपये, 200-200 रुपये वाले फर्नीचर कर सकें। आज के वीडियो में हम आपको वार्डरोब्स के बारे में बताएंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो विजय जी, हमने पिछले वीडियो में देखा था जो बेड्स के बारे में, बेड्स में स्टोरेज बताया आपने, बड़ी अच्छी बात है। और ये ट्रेंड बड़ा अच्छा है क्योंकि लोगों के पास स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो स्टोरेज की उनके पास थोड़ी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, स्पेशली जो फैमिलीज़ हैं। और काफ़ी सारी डिमांड आती है वार्डरोब्स के बारे में कि वार्डरोब्स कैसे सजेस्ट करें। एंड ऑफ द वीडियो आपसे कुछ क्रिएटिव टिप्स लेंगे कि कैसे वार्डरोब्स चूज़ करें अपने घर के लिए। और कुछ सैंपल हैं आपके पास वार्डरोब के दिखाने के लिए? आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। एक्चुअली हमारे पास जो वार्डरोब होती है वो सब कस्टमाइज वार्डरोब है, हमारे पास सैंपल भी है हमारे पास। अच्छा। एक्चुअली हम अपने डिस्प्ले में हमने कम से कम 8 से 10 मॉडल तो बना के रखे हुए, जैसे स्लाइडिंग वार्डरोब है, डोर्स वार्डरोब है, 3 डोर 4 डोर 2 डोर। तो ये तो मेरे पास डिस्प्ले में होती है, इसके अलावा भी हम सब कस्टमाइज करते हैं। जैसे किसी के पास जो एरिया के हिसाब से वॉल टू वॉल बनाना है तो हम, हमारी टीम जाकर पूरा मेजरमेंट करती है, उसके बाद हम कस्टमर को वार्डरोब बना के देते हैं। एक बात आपने बड़ी अच्छी बोल दी अभी, अब आपको एंड ऑफ द वीडियो हम आपसे पूछेंगे उसके बारे में कि कहाँ पे चूज़ करना है स्लाइडिंग और कहाँ पे चूज़ करना है डोर वाला। एंड ऑफ द वीडियो हम एक बार अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को बताएंगे। चलिए पहले एक बार वार्डरोब देख लेते हैं। ओके, तो अब हम आ गए वार्डरोब्स देखने के लिए। विजय जी, वीडियो में अब हम प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। वार्डरोब में क्वालिटी टेस्टेड होता है, हालांकि स्टोर आपका ऑलरेडी क्वालिटी अप्रूव्ड है, इसीलिए हम दोबारा शूट भी कर रहे हैं। जो जनरली प्रॉब्लम आती है ना, वो मटेरियल को लेके आती है, क्योंकि देखा होगा आपने वार्डरोब्स के डोर लटक जाते हैं, उनका मटेरियल अच्छा नहीं होता, उनके हिंजेस अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि कब्जे जिनके ऊपर चलता है, अगर वो स्लाइडिंग है तो चैनल्स ख़राब होते हैं। तो हम प्लीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही हम शूट करते हैं, और आपने भी श्योर किया था कि क्वालिटी है, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने भी बोला। तो चलिए कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट हमें दिखाएगा वार्डरोब में। ठीक है सर, मैं आपको सर एक बात बताइए, आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे जो आपने पैसे पूछा कि जैसे अलमारी के जो डोर्स होते हैं वो लटक जाते हैं या फिर झूल जाते हैं, जिनके जो हिंजेस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ से ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम क्वालिटी बनाते हैं, एक्चुअली जो जैसे जो अलमारी होती है उसके अंदर क्या होता है, कई लोग, मैक्सिमम लोग एमडीएफ बोर्ड में बनाते हैं जी, या फिर पार्टिकल बोर्ड में बनाते हैं। अच्छा। या फिर इम्पोर्टेड आती है। ओके। बट उसमें वो चीज क्रिएट होती है प्रॉब्लम। ओके। क्योंकि वो एमडीएफ में है, एमडीएफ की स्ट्रेंथ नहीं होती है। अगर एक्चुअली क्या है, अगर हम एमडीएफ को हम जिससे ज्वाइन करते हैं तो जो उसका जो स्क्रू होता है वो वन टाइम स्क्रू होता है। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे स्क्रू लगा होता है वो स्क्रू लूज हो जाता है, वहाँ से स्क्रू अपनी जगह से लूज हो गया तो आप उसको दोबारा उस जगह फिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी देख चुका हूं। ज्यादा डैमेज वाला पीस हो जाता है जी। तो हमारे, हम जो जिस क्वालिटी बनाते हैं, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। ठीक है। कि हम सॉलिड टीक बोर्ड की अलमीरा बनाते हैं। ओ, ओके, ये देखते हैं। पॉपुलर फिलिंग का बोर्ड हम यूज करते हैं। ऑल राइट। उसको हम फिर डिजाइन करते हैं। ओ, ओके। विनियर लगाकर, हाई ग्लॉस पॉलिश करके, इसमें कलर वेरियंस हम देते हैं कस्टमर को। अच्छा। उनकी रूम की अकॉर्डिंग तो उनसे मैच कर देते हैं आप जो बेसिकली। इसको जरा दूर से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पूरा वार्डरोब है। इसका साइज क्या है विजय जी? सर इसकी हाइट जो है 7 फीट है। अच्छा। और विड्थ जो है 5 फीट है। 5 फीट और 7 फीट। इसकी डेप्थ होती है स्टैंडर्ड है 2 फीट। 2 फीट। ओके। इसकी लेंथ और हाइट कस्टमाइज हो जाएगी। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, कैसे बना हुआ है, किस चीज से बना है, आपने बताया बोर्ड से। ये टीक बोर्ड की है बनी हुई अलमीरा। अच्छा। स्लाइडिंग अलमीरा है। इसमें स्टील के हमने, इसमें हैंडल्स हमने यूज किए हुए हैं इसके। ओके। ये स्लाइडिंग है। साथ में बताते जाते हैं कि ये जनरली स्टील के हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है, बहुत अच्छी लाइफ, ये खराब नहीं होते, और इनको बाहर की तरफ इसमें हैंडल नहीं होते क्योंकि अटकते हैं, ये इनबिल्ट किए हुए हमने। अच्छा। ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। और ये अंदर स्टोरेज है इसका। ये स्लाइडिंग है, इसके अंदर जो हमने फिटिंग स्लाइडिंग की हमने यूज की हुई है ना सर, ये सब हैटी कंपनी की फिटिंग है। अच्छा। जनरली सब लोकल फिटिंग यूज करते हैं तो वार्डरोब में जैसे डेली यूज में आती है तो कई बार फिटिंग खराब हो जाती है। ऑलराइट। तो उसमें कंप्लेंट अक्सर बनी रहती है, बट हमने उस चीज को बिल्कुल हटा के हमने कंपनी की फिटिंग यूज करते हैं। अच्छा। तो ये जो आप बात कर रहे हैं चैनल्स की, जो बात कर रहे हैं आप, जो चैनल्स हैं इसकी, ये हैटी कंपनी की चैनल्स है। ओह ओके। ये कस्टमर को प्लस पॉइंट है कि हम इसमें ब्रांडेड फिटिंग यूज करते हैं। ऑलराइट।
तो ये बेसिकली इसमें अटकने का कोई स्कोप नहीं है। इनकेस इसके अंदर कुछ गंदगी जमा हो जाती है, डर्ट हो जाती है, वो साफ निकल जाता है, ब्रश से निकाल सकते हैं। और इसके अंदर स्टोरेज देखें तो बेसिकली तीन इसके अंदर स्टोरेज है, एक ड्रॉर है। ओके, इसमें लॉक लग सकता है अगर चाहिए तो, लॉक लग जाता है। ये इसमें एक ड्रॉर ये है जो इसमें ग्लास का भी, अच्छा आगे फ्रंट लगेगा। ग्लास क्यों लगाया जाता है इसमें? एक्चुअली सर ये डिजाइनर वार्डरोब है। अच्छा, ओके। कई चीजें होती है जो हमें, जैसे टाई है, जैसे अपना सनग्लासेस है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, जो आपको देखने में अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो आप इसे ग्लास वाले में रख सकते हैं। आप हाईलाइट रखना चाहते हो इसमें आ जाते हैं। ओके, बट ये वाली सब स्टोरेज है, ड्रॉर्स है। अच्छा, ऑलराइट। वही सब चैनल के ऊपर है, मैं देख पा रहा हूँ। हम के चैनल्स यूज करते हैं, आईटी के ओजोन। ओके, और यहाँ पे आप सारी सूट्स हैंग करने के लिए कुछ लगाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर, इसमें यहाँ पे हैंगिंग रॉड लगाएंगे। अच्छा, वो जो हम एक्चुअली वो बाद में लगाते हैं जिस टाइम डिलीवरी के टाइम होता है। ओके, उस टाइम हम यूज करते हैं। और ये स्पेस किस लिए यूज होना चाहिए आपके ख्याल से? एक्चुअली जनरली क्या होता है कि 7 फुट हाइट तक लोगों का हाथ नहीं पहुँच पाता है। ओके, उसको हमने लॉफ्ट बना दिया, ओवर लॉफ्ट, जिसमें कि अपना जो कभी कभी यूज में आने वाला सामान होता है वो हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, जैसे हमारी कोट, हैंगिंग शर्ट जो भी होती है वो इस, अच्छा, इसके अंदर जैसे आप अपने टॉवल, बेडशीट, ये पिलो कवर्स, एक्स्ट्रा पिलोज होते हैं वो आप रख सकते हैं वहाँ पर। इसका दूसरा साइड का स्पेस भी देख लेते हैं एक बार। वाओ, वेरी इजी, आपने तो एक ही उंगली से खोल दिया उसको। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है वो साइड से। ये स्पेस नीचे वाला ओपन रखा है, हमने कर दिया है। जैसे अच्छा, कई बार जो चीजें हैवी जैसे अटैची होती है, सूटकेस होता है, अच्छा, इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, पर इसमें कट शेप एक ड्रॉर्स हैं। ओह, वेरी नाइस, डिजाइनर है। इसमें भी लॉक लग सकता है? हाँ, इसमें लॉक लग जाएगा, सेफ्टी रीजन के लिए अगर चाहिए तो इसमें लॉक लग जाएगा। अगर जैसे किसी कस्टमर को मतलब अलमीरा के अंदर ही अगर लॉकर बनवाना है तो वो लॉकर हम कस्टमाइज भी बना देते हैं। ओके जी, अब इसका बताते हैं मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, ये कितने का पड़ेगा? ये जी सर, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो आप बता रहे थे इसका प्राइस वैसे जी? सर, मैं आपको प्राइस बताया था, एक्चुअली क्या है ये मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम इसका प्राइस रखते हैं। हाँ, तो बट वैसे क्वालिटी हम देखते हैं तो हमारे प्राइस बहुत रीजनेबल है। ओके, तो जैसे इसका जो साइज है ये 7 फीट बाय 5 फीट। अच्छा, हाँ, ये मतलब 30 आपको मतलब लगभग 35 स्क्वायर फीट है ये मेरा। 35 स्क्वायर फीट है। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं 35 स्क्वायर फीट? फ्रंट हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हाइट एंड वेट। अच्छा, हाइट एंड 7 बाय 5। ओके, तो ये 35 स्क्वायर फीट इसका हो गया। बट हम जो जैसे प्यू हाइट ग्लॉस पॉलिश करके, विनियर टच लगा के, हाइटिक फिटिंग लगा के, चैनल ब्रांडेड लगा के, तो इसको थोड़ा सा कॉस्ट थोड़ा सा पड़ता है, बट लेकिन क्वालिटी हमारी बेस्ट, क्वालिटी अच्छी है इसकी। तो उसका जो प्राइस है ये 69,000 की है। अच्छा जी, ऑलराइट, 69,000 रुपीज का है ये, ठीक है। चलिए और दूसरा देखते हैं। एक ये दूसरा अलमेरा देख रहे हैं वार्डरोब, ये भी एक डिजाइनर वार्डरोब है आई थिंक। ऑलराइट, ये भी बहुत यूनिक डिजाइन है अपने आप में। इसमें हैंडल्स नहीं है? बिल्कुल सर, अच्छा, ये स्लाइडिंग में नहीं है, डोर में। क्या था कि वो जो हमने अभी लास्ट टाइम देखी थी वो स्लाइडिंग थी जी। साइज वो यही है 7x5 का, बट ये हमने 3 डोर में बना रखा है। 3 डोर में है ये। ओके, इसको एक बार अंदर से खोल के देख ले। बिल्कुल सर जी। ये कलर क्या है इसके ऊपर? सर ये कॉफी शेड है। कॉफी शेड है, ये लाइट कॉफी, ये ग्रे शेड है। वेरी नाइस, ये बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। इसके अंदर भी आपने वो दिया हुआ है कि एक ग्लास का ड्रॉर है इसके अंदर। इसमें ग्लास ड्रॉर है, इसमें प्लस इसमें ट्रे है आगे, अंदर स्वेडिंग की, इसमें ग्लाइडिंग की हुई है। वेरी नाइस। और देन इसके अंदर हमने जो ये वाला स्टफ यूज किया हुआ है, ये लेमिनेट हमने यूज किया हुआ है। अच्छा, फिनिशिंग अच्छी आती है इससे। ओके, काफी सारा इसमें कैपेसिटी है, स्टोरेज की सेम, ओवर लॉफ्ट है, हैंगिंग के लिए रॉड है, रॉड हमने जो यूज की हुई है एसएस की है सर। ओह वेरी नाइस, ये काफी थिक है, काफी सारा वेट कैपेसिटी होती है, जनरली ये लूज हो जाती है, हैंग हो जाती है जी। ओके, इसको कस्टमाइज करके थोड़ा ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। इसमें भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, वो तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अगर कस्टमर कहता है कि हमें कुछ साइज में स्क्वीज करना है या कुछ जो भी हमने ऑल्टरेशन करना है, अच्छा, वाटर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये थ्री डोर्स है। ओके, ये कितने का पड़ेगा सर? ये वाला जो आपको बताया था, इसमें ये हमने 2 डोर हमने देखा, अभी सिंगल डोर है ये वाला। अच्छा, ये हमने फिर ये लॉन्ग सूट के लिए दे दिया। अच्छा, जैसे इसमें एक हमने ये बैग भी हमने दे दिया। वेरी नाइस, इसमें आप अपने ट्राउजर्स, टाइज, बेल्ट, कुछ भी हैंग कर, स्कार्फ्स भी हैंग कर सकते हैं इसमें। इजी टू मूव है, ये भी चैनल के ऊपर है पूरा, कंपनी की चैनल यूज करते हैं, एसएस की हैटी की ओजोन। दिस इज वेरी नाइस। सो एनीवे, आप देखें तो इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये जो 2 डोर हैं, ये दिस इज फॉर द वुमन एंड दिस इज फॉर द मैन। इसमें आप सूट भी हैंग कर सकते हैं ऊपर, और नीचे ड्रॉर है स्पेशली जो आदमी, जो जेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये बनाया गया है। ऑलराइट, इसमें सर एक ड्रॉर ये भी है, ये हमारी हिडन ड्रॉर्स है। ओ, एक और भी है इसमें, इसके अंदर एक ड्रॉर। वाओ, दिस इज वेरी नाइस। सो आपको मिलता है 1, 2 एंड 3। वाओ, दिस इज वेरी नाइस। एक देखिए, एक
फ्रंट से आपको देखने में लगेगा जैसे सिंगल ड्रॉर्स हैं, ओके, बट लेकिन इसके अंदर एक और हमने ऐड, वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस पीस, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लेटेस्ट है। ऑलराइट, ये कितने का पड़ेगा हमको? सर ये भी 7x5 का है, ये अच्छा 66,500 का, 66,500। ऑलराइट, एक ये देखते हैं छोटा वाला, ये दोनों क्योंकि काफी बड़े बड़े थे, एक ये बता दीजिए मुझे ये क्या साइज है इसका? सर ये 2 डोर में है। अच्छा, ये वाला जो साइज, इसकी हाइट स्टैंडर्ड है 7 फीट और जो इसकी विड्थ है 3.5 फीट की। अच्छा जी, इसके ऊपर ये क्या यूज किया हुआ है? ये जो सर ये विनियर है, विनियर भी हमने इसमें शैम्पेन गोल्ड पॉलिश किया हुआ है, PU हाई ग्लॉस, अच्छा, प्लस इसमें वॉलेट PU किया हुआ है। ओके जी, ऑलराइट, ये 2 डोर्स का है, इसकी कैपेसिटी उससे लगभग 80% होगी, 80% होगा, एक्चुअली वो 3 डोर था, ये 2 डोर्स है। इसको एक बार देख सकते हैं, बिल्कुल सर, ये भी हैंडललेस है। अच्छा, इसके अंदर भी सेम स्टफ यूज किया हुआ है, क्वालिटी मैं आपको बताई दूँ, राइट राइट, वुड एंड टीक वुड में बनती है, और इसके अंदर यहाँ पे हैंडल दिए हुए हैं, इसमें ड्रॉर्स है, ये इसमें हमने लॉकर का ऑप्शन दे दिया। ओके, ऑलराइट, इसके अंदर लॉक लग सकता है ना? जी, इसमें लॉक लगा के देते हैं, ड्रॉर्स में लॉक लगता है, ये लॉकर में लॉक लगता है, जैसे आजकल जो गोदरेज की जो लॉकर्स आते हैं, सेफ जो आती है, आप इसको इसमें भी फिक्स करा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर लगा सकते हैं इसको, और ये जो स्पेस है यहाँ पे, अगर अगर किसी को शूज में कन्वर्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप ग्लास का कुछ लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा एक और पीस है ना, तो ये शूज के लिए नीचे दिया होगा, अरे शूज के नीचे, ऑलराइट, ओके, अच्छा, आई डिडंट सी दैट, ये मैंने देखा नहीं। ओके, सो यू हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर मिला के 8 आपके पास यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। ऑलराइट, ये कितने का पड़ेगा पूरा सर? बताइए देख, तो आप बता रहे थे कि ये कितने का पड़ेगा? 42,500 का पड़ेगा। ऑल राइट, ओके, दिस इज वेरी नाइस, इजी टू मेंटेन है, ये भी ग्लॉस है काफी, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ओके, इनके जो अंदर ये देखिए हिंजेस है ना, हम जो हम शुरू में बात कर रहे थे वीडियो के, एक बार हिंजेस की क्वालिटी दिखा दीजिए सर। ये पूरा वुड फिनिश में दिया हुआ। अच्छा, दिखाइए, ये देखिए इसकी, जिसकी हम हैंडल की जो पकड़ की जो मतलब जो पकड़ है बहुत मजबूत है। अच्छा, हैंडल में कई बार क्या होता है कि जैसे पेस्ट लगते हैं तो कई बार पेस्ट लूज हो जाते हैं। ओके, तो वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, अपने जैसे ये डिजाइन का डिजाइन भी है। ओके, और हैंडल बहुत अच्छा भी है, देखते हैं, बहुत स्मार्ट लगता है। ओके, ऑलराइट, और इसके हिंजेस दिखा दीजिए एक बार जी। ये इसमें हम सर 3 इंचेस के ऊपर है, 4 इंचेस के ऊपर है, ये नीचे से लेके अगर ऊपर तक देखें तो अभी हमने वार्डरोब देखे, वही इंटरेस्टिंग पार्ट। अब आप बताइए कि कहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि लोगों को स्लाइडिंग लेना चाहिए और कहाँ पे डोर? मैं आपको सर बिल्कुल बताऊंगा, एक्चुअली सर जैसी जो स्लाइडिंग जो वार्डरोब होती है वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जैसे जहाँ पे जिस रूम में स्पेस कम होता है जी, जैसे जो बेडरूम में है, जैसे जिसका बेडरूम छोटा है 10x8 का है या फिर 10x10 का है, तो उसमें एक डबल बेड आ गया, तो फिर अलमारी के लिए डोर्स खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जी। तो बट हम उनको सजेस्ट ये करते हैं कि आप स्लाइडिंग वार्डरोब लीजिए। ओके, स्लाइडिंग वार्डरोब में आप हम वो देखने में बहुत सुंदर लगता है और स्पेस ऑक्यूपाई कम करता है। ऑक्यूपाई कम करता है। ऑलराइट। और उसमें फिर जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो भी हम इनबिल्ट देते हैं। ओके। कई बार क्या होता है कि हैंडल्स हम ऊपर से लगाते हैं तो वो टकराते हैं आपस में जब आप निकलते हैं वहाँ से, तो कई बार चोट लग जाती है, तो हमने वो चीज अवॉइड करते हैं और उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको बनाया, तो जिससे कस्टमर को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उससे। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जो स्लाइडिंग जो वार्डरोब होती है उसके अंदर अक्सर प्रॉब्लम आती है कि लॉक की। अच्छा, जो उसमें लॉक लगता है डोर्स में, जो मेन डोर लॉक होता है, राइट राइट, वो जनरली सब लगाते नहीं है और किसी को मतलब कोई लगा भी नहीं पाता उसको, बट हमारे पास इस चीज़ की फैसिलिटी है, हम इसमें लॉक लगाते हैं। स्लाइडिंग में भी लॉक लगा देते हैं? हम लॉक लगा के लॉक लगाते हैं और वो बहुत अच्छा ब्रांडेड लगाते हैं, हैरिसन्स का या फिर गोदरेज कंपनी का लॉक लगाते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत भी होता है। वेरी नाइस। अब बात आती है डिलीवरी की, दिल्ली NCR और ऑनलाइन जो 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 दिल्ली NCR के लोग हैं वो तो आके देख सकते हैं। अगर बाहर से कुछ ऑर्डर होते हैं और आपको बाहर से बुकिंग मिलती है, तो इनको आप कैसे डिसमेंटल करके भेजेंगे कि वन पीस में भेजेंगे? सर ये डिसमेंटल होकर जाती है। डिसमेंटल आएंगे, असेंबली कैसे होगी? जैसे ये सर साइज पे डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7x5 का साइज है और उन्हें स्लाइडिंग अलमीरा बनवानी है। अच्छा, तो जो डोर्स होते हैं वो 2 बनते हैं उसके अंदर। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था 7x5 की अलमीरा स्लाइडिंग होती है, 2 डोर्स हो जाते हैं, वो सेपरेट सेपरेट डिसमेंटल हो जाते हैं। ओके, और जो हम अलमारी बनाते हैं उसको 2 पीस में बनाते हैं।
तो जो सिंगल वाला उसको जब ये आपको फिटिंग होने के बाद लगेगा जैसे एक अलमीरा है बट होगा लेकिन दो पीस में। अच्छा, और उसमें हम सीरियल नंबर डाल देते हैं, वो जाके अटैच हो जाता है, उसमें स्क्रू कर देते हैं। मतलब कारपेंटर असेंबली चाहिए उसके लिए? उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं, हम उसमें निशान लगा देते हैं, उसमें सीरियल नंबर लगा देते हैं। अच्छा, उसमें हम उसमें बाकायदा हम उसमें पूरा बना के देते हैं कि इसमें कैसे कैसे इसकी फिटिंग करनी है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहुँचने के लिए एड्रेस बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, फिर से स्टोर का नाम। वुड सर, स्टोर का नाम है मेरे वुड विले फर्नीचर एंड इंटीरियर, लक्ष्मी नगर और निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास, और अपोजिट। देखिए, अब तो हमको भी याद हो गया आते आते। नंबर बता दीजिए आप अपना एक बार। मेरा मोबाइल नंबर है 9717 9717 6223। सॉरी आई इंटरप्टेड, मैं बीच में एकदम काट दिया आपको। 9717 9226223। ऑल राइट, थैंक यू विजय जी। सर, ओके, सो इन केस कोई प्रॉब्लम होगी वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।